हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे स्टेटस को क्या होता है। मौजूदा हालात को इंग्लिश में हम स्टेटस को कहते हैं, और दूसरे शब्दों में करेंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोग स्टेटस को कहते हैं। तो फिर ये स्टेटस को जानने की क्या ज़रूरत है? दरअसल इस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन आप न्यूज़पेपर में नहीं पाएंगे। जहाँ पे स्टेटस को इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्टेटस को ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? दरअसल इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, जिसका हिंदी, शुद्ध हिंदी मतलब होता है यथास्थिति। यथास्थिति, जी हाँ। और इसके साथ जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर मेंटेन द स्टेटस को, चैलेंज द स्टेटस को, चेंज द स्टेटस को, अपोज द स्टेटस को, इस तरह के वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ न्यू फार्म लॉ, बट द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। यू मस्ट हैव सीन इन लखीमपुरी विलेज, देखिए कितना बड़ा कांड हो गया उस गाँव में। Actually, the farmers want to change the status quo of the new farm law. See, India is a land of pluralistic society. So, we must maintain this status quo. Shaheen Bagh mein dekhiye kya hua. In Shaheen Bagh, they were opposing the status quo of Citizenship Amendment Act. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि status quo का मतलब और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है sentence में आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।